आठ अंगों वाले मार्ग का जो दूसरा मार्ग है वो है सम्मा कम्मंत या सम्मा कम्मंतंग, सम्मा कम्मो या सम्यक कार्य या सही काम, राइट वर्क या राइट डीड या राइट बिजनेस। इसको कुशल कम्मो भी कहते हैं, कुशल कम्मो। कुशल कम्मो, कुशल शब्द बहुत ज्यादा भगवान बुद्ध ने इस्तेमाल किया है उस समय। कुशल कम और अकुशल कम, यानी जो खराब काम है अकुशल और जो अच्छा काम है उसको कुशल कम्मो। तो ठीक कार्य या सही काम, जो भी आप इसको समझे, ये दूसरा अंग है आठ अंग वाले मार्ग का, जिसको आठांगिक मार्ग बोलते हैं या एट फोल्ड पाथ बोलते हैं। पहले पाथ में मैंने बताया था सम्मा वाचा, अब सम्मा कम्मो या सम्मा कम्मंतंग। दरअसल कम्मंतंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कम का अंत अच्छा होना चाहिए, यानी सम्मा होना चाहिए, सही होना चाहिए। काम बीच में ही, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में ठीक किया और बाद में खराब किया, आपने कहा मैंने तो ठीक किया बाद में खराब हो गया, तो वो नहीं माना जाता। जो शुरू में ठीक किया, बीच में ठीक किया और अंत में भी ठीक हुआ, तो वो सम्मा कम्मंतंग बोला जाता है। दरअसल इसके चार पूरे जो भाग हैं वो उन्होंने बताए हैं, और चारों के चारों जो पंच सील में चार सील आते हैं। एक जो सील है वो आता है प्राणाति पाता वीरमणि, यानी प्राणी हिंसा नहीं करने का। एक आता है चोरी करने का, अदन्य दाना वीरमणि। एक आता है कामेशु मिच्छाचारा, यानी काम और मिच्छा और आचार का व्यवहार नहीं करना है। और एक आता है सुरा मेरे मज्जे पमाद इठाना, यानी सुरा मेरे मज्जे और पमाद नहीं करना है। जो झूठ बोलने वाला है मूसा वादा, वो पहले वाले में सम्मा वाणी में, सम्मा वाचा में कवर हो गया है, जो आपने वीडियो पहले देखी हुई है। तो प्राणी हिंसा, क्योंकि ये जो चल रहा है एट फोर्ड पाथ, ये सबसे बेहतरीन हिस्सा है भगवान बुद्ध का, जो बाहर करने के लिए बताया हुआ है। यानी कि जो आप दैनिक क्रिया में, बाहर की क्रिया में, बही क्रिया में इसको करते हैं। दरअसल एक होती है बही क्रिया और एक होती है अंतर क्रिया, यानी कि शरीर के मन की अंदर की क्रिया। तो ये बाहर के कर्म है जो आपको ठीक करने हैं, जो मन के कर्म से बाहर के कर्म ठीक होते हैं, बेसिकली जो दिखाई देते हैं सभी लोगों को, ये वो कर्म है, बाह्य कर्म ही बोलते हैं इनको। तो क्या कहते हैं, हिंसा नहीं करनी है, हत्या नहीं करनी है। तो हिंसा और हत्या नहीं करने का मतलब क्या है? हिंसा और हत्या में आपको ना डायरेक्ट करनी है ना इनडायरेक्ट करनी है। ये जो डायरेक्ट शब्द है और इनडायरेक्ट शब्द है, इसको आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या प्रतिपन्न या पटिपन्न या अपटिपन्न अप्रतिपन्न भी बोल सकते हैं। यानी कि सीधे रूप से नहीं करनी है और ना ही घुमा फिरा के हत्या करनी है, ना ही हत्या का कारण बनना है, ना ही हत्या के लिए, हिंसा के लिए उकसाना है, ना ही हत्या और हिंसा का कोई सहयोग करना है, ना ही हत्या को और हिंसा के कारण को या व्यक्ति को या किसी बात को छिपाना है, और ना ही उसके लिए कोई ऐसा वातावरण तैयार करना है कि हत्या और हिंसा हो, और ना ही कोई किसी के मन में भी ये बात डालनी है ताकि वो ऐसा हो, और ना ही व्यक्ति को मजबूर करना है कि वो खुद अपनी हिंसा करे या अपनी हत्या करे, यानी कि आत्महत्या के लिए भी नहीं करना है। ये सारी बातें आज की डेट में जो भारत का संविधान है उसमें कवर होती हैं, और उसमें जो इंडियन पिनल कोड है IPC है उसके अंदर ये कवर होती हैं, सारी की सारी धाराएं उसमें आती हैं। तो दरअसल हिंसा इनडायरेक्ट और हिंसा जो डायरेक्ट है उसके बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ भगवान बुद्ध ने बताई हुई हैं। जैसे आप शक्तिशाली हैं, आप पावरफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा धनवान हो गए हैं, आपके पास में बहुत ज़्यादा ताकत है, आप राजा हैं, आप महाराजा हैं, या गणतंत्र में आप कोई मंत्री हैं, या कोई आपको ताकत मिली हुई है जो गण ने आपको दी हुई है, या कोई मोनार्की है, या कोई एम्परर हैं, किसी भी तरह का अगर आप तंत्र चलाते हैं तो उसमें एक पावर होती है आपके पास में कि आप लोगों के जीवन के बारे में अच्छा और बुरा निर्णय कर सकते हैं। तो आपने अगर अच्छा निर्णय किया तो उनकी हिंसा नहीं होगी, उनकी हत्या नहीं होगी, वो कष्ट में नहीं आएंगे, और आपने अगर गलत निर्णय किया है तो वो हिंसा के लिए, हत्या के लिए इनडायरेक्ट रूप से आपका प्रयास माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? जैसे आपने, कोई व्यक्ति है जो आपसे सुरक्षा मांग रहा है और आपने उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की, तो उसकी हत्या के आप कारण बन गए। किसी ने आपको बताया कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे साथ हिंसा हो सकती है, मुझे कोई मार पीट सकता है,
मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है और आपने उसकी मदद नहीं की, या किसी व्यक्ति को आपने जानबूझ के किसी व्यक्ति के खिलाफ में लगा दिया, या किसी समुदाय को किसी समुदाय के खिलाफ में हिंसा में लगा दिया, या आप शुरू से उसके मन में भरते आ रहे हैं दो समुदाय या तीन समुदाय के बीच में कि ये समुदाय ठीक नहीं है, उसको कहा वो समुदाय ठीक नहीं है, उसको कहा वो समुदाय और संप्रदाय ठीक नहीं है, तो समुदाय और संप्रदाय या जो समूह होता है उसको एक दूसरे के खिलाफ आप हिंसा के लिए मानसिक रूप से सालों से अगर तैयार कर रहे हैं तो उसका कारण कर रहे हैं, तो वो काम ठीक नहीं है, वो काम आपने छोड़ना है बेसिकली। तो ऐसे हालात भी पैदा नहीं करने हैं जिससे कि हिंसा का और हत्या का कारण बने। क्या हालात होते हैं, जैसे भुखमरी या बीमारी को आपने सही तरीके से नहीं हैंडल किया, या आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, या आपने जो उनका शोषण किया या अत्याचार किया, या कुछ लोगों के पास आपने सारे संसाधन खाना पीना दे दिया बाकी लोगों को नहीं दिया, या उनकी शिक्षा आपने छीन ली, या आपने उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया, या उनकी बात नहीं सुनी, या उनको न्याय नहीं मिला, या उनको रोजगार नहीं मिला, या उनको इज्जत नहीं मिली, या मान सम्मान नहीं मिला, ये सारे के सारे कारण हत्या के परिणाम में, हिंसा के परिणाम में बदल जाते हैं जब एक समय आता है। तो उसका जितना भी पाप है वो उसको लगेगा जो ये काम पीछे से कर रहा है। जो सामने वाले हैं उनको तो लगेगा ही लगेगा, जो पीछे से करवाने वाले हैं बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार उनके बच्चे भी लूले लंगड़े और काणे भेड़े और टेढ़े मेढ़े और राक्षस प्रवृत्ति के, राक्षस का मतलब तो वैसे रक्षा होता है मगर आज की भाषा में कहें तो बुरी प्रवृत्ति के पैदा होते हैं, ये पाप की प्रवृत्ति के पैदा होते हैं, वो नशे पते जुए शराब में लग जाते हैं, उनका मन भी वैसा ही होता है। ये नियम भगवान बुद्ध ने कई बार इसको बिल्कुल बताया, इसको कर्म सिद्धांत बोलते हैं, कर्म का सिद्धांत बोलते हैं, जैसा कर्म वैसा बीज, वैसा कर्म फल वैसा बीज फल, जैसा कर्म वैसा वृक्ष, और जैसा वृक्ष वैसा फिर आगे फल। बड़ा स्पष्ट सा ये सिद्धांत उन्होंने देखा है तब बताया, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिसका अनुभव उन्होंने जीवन में ना किया हो। तो सबसे पहले आपने हिंसा और हत्या ना करनी है, ना उसके कारण बनना है, ना उसका कोई सहयोगी बनना है। दूसरा आता है चोरी, यानी कि अदिन्य दाना वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी का जो सील है चोरी करना। तो चोरी करना भी और चोरी करने के हालात भी पैदा नहीं करने हैं, यानी कि आप अगर शक्तिशाली हैं तो ऐसा नहीं करना है कि सामने वाला मजबूर हो जाए चोरी करने के लिए आपके कारण से, और आपको चोरी नहीं करनी है। बेसिकली हत्या करता है या चोरी करता है आदमी तो सबसे पहले उसके मन में राग द्वेष या मोहमुट्ठा उत्पन्न होती है, इस कारण से करता है। राग मतलब उसको कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति है संपन्न है सारी बात है मगर फिर भी उसको लगता है कि उसको कोई चीज चाहिए और वो उसका मूल्य नहीं देना चाहता और उसके पास है और वो उसको चोरी कर लेता है, तो ये ऐच्छिक चोरी है, उसने इच्छा के अनुसार मन के अनुसार चोरी उसने की है, उसके मन में चोरी करने का आया है, इसको राग बोलते हैं। दूसरा किसी ईर्ष्या के कारण है, जैसे किसी का नुकसान पहुंचाना है, किसी की दुकान पे अच्छा सामान बिकता है, किसी के घर में कोई बढ़िया साइकिल खड़ी हुई है स्कूटर खड़ा हुआ है, या किसी का ऑफिस में कोई अच्छा पेन या पेंसिल है, या किसी की दुकान पे कोई सामान अच्छा रखा हुआ है, या कहीं कोई आदमी काम कर रहा है कोई उसका औजार बड़ा अच्छा है, या किसी मिस्त्री की दुकान पे किसी का पेचकस या प्लास बड़ा अच्छा है, या किसी कहीं छोटी मोटी दुकान पर कोई सामान है जिस पर आपका मन आ गया तो आपका द्वेष पैदा होगा कि इसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए, इसके पास नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए तो आप उसको उठालाए भले ही चाहे वो आपका काम का है या नहीं है, सिर्फ इसलिए कि द्वेष में उठालाए, इसको द्वेष के कारण चोरी बोलते हैं, यानी दूसरे का नुकसान करके सुख लेना। एक होता है मोह मूर्ता, मोह का मतलब है मूर्खता और मूर्ता का मतलब भी मूर्खता होता है बाद के समय, यानी कि आप मूर्ता पागलपन में बिना किसी समझ के आप किसी का सामान उठा लाए जस्ट फॉर एंजॉय, यानी कि बस मजे के लिए है कि थोड़ा हमें मजा आ गया, वो परेशान हुआ, आपका वो सामान से कोई लेना देना है या नहीं है वो अलग बात है, तो मोहमूर्ता कारण चोरी करता है। ये तो व्यक्ति या इंडिविजुअल खुद चोरी करता है मगर जो करने का हालात पैदा करता है वो बड़े खतरनाक है। जैसे आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी ने नौकर रखा हुआ है और वो आपको इतनी तनख्वाह नहीं दे रहा है कि आपका परिवार पढ़ जाए आगे बढ़ जाए या चल जाए, तो अगर आपके परिवार को सफिशियंट खाना या सफिशियंट पानी या सफिशियंट भोजन या सफिशियंट पढ़ाई लिखाई दवाई वगैरह रहना बिजली पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे तो इसको मांगेंगे और आप भी चाहेंगे कि वो मिले मगर जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयर के अपने
रोजगार देने वाले के, अपने काम देने वाले के, जिसके यहाँ आप नौकरी करते हैं, उसके यहाँ चोरी करना शुरू कर देंगे। बेसिकली वो आपको मजबूर कर रहा है, क्योंकि उसकी तो साल में, हर साल में दो फैक्ट्री और बन जाती हैं, और आपके परिवार में जितने आप पढ़े लिखे हैं उतना भी नहीं हो पा रहा, और आपके परिवार में खाने की भी इतनी कमी है कि आपके बच्चे सब सूखे सूखे और कमजोर ही हैं और पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे कैसे। ये मजबूरी के कारण आदमी चोर बनता है, जब उसको सफिशियंट पूरी तरह से नहीं मिलता। एक व्यक्ति सारा खाना खाए और एक व्यक्ति को खाना ना मिले, वहां चोरी होती है। एक व्यक्ति का जबरदस्ती मार पिटाई किया जाए और दूसरा व्यक्ति उसे मार पीटे, तो वो वहां उसकी चोरी करता है ताकि उसको नुकसान हो जाए और वो मार पिटाई का बदला ले सके। ये चोरी के इनडायरेक्ट तरीके के बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी लोग वो शामिल होते हैं जिनके पास में सारा सामान होता है, और वो अपने काम करने वालों को या लेबर को या देश के अपने जो लोग हैं उनको मजबूर करते हैं, बांट कर नहीं खाते। और जो तंत्र है वो भी इस तरह का है कि वो बंटवारा सही तरह से नहीं करता। एक अमीर अगर अमीर हो रहा है तो बहुत अमीर हो जाता है, एक गरीब है तो वो गरीब होता चला जाता है। ऐसे में जो गरीब है वो मजबूरी के कारण, क्योंकि उसको अमीर ने मजबूर किया है, बेसिकली वो खुद अपनी इच्छा से चोरी करना नहीं चाहता, उसे चोरी करने के लिए उकसाया गया है। कई मामलों में खुद जो एम्प्लॉयर है, जो रोजगार देने वाला है, वो खुद चाहता है कि ये छोटी मोटी चोरी करता रहे, जिससे कि उसकी बड़ी चोरी छिप जाए। यानी कि एक जो बड़ा चोर है, जो अरबों करोड़ खरबों रुपए की चोरी कर रहा है, वो चाहता है कि नीचे वाले जो उसके लोग हैं वो भी थोड़ी थोड़ी चोरी करते रहें, ताकि उसकी चोरी का ढोल ना फोड़ें, ना उसकी चोरी के बारे में किसी को बताएं, और ना ही उसकी चोरी का जिक्र किसी से करें। इस तरह से भी चलता है, ये बातें भी वहां आती हैं। तो इस तरह से चोरी के लिए मजबूर किया जाता है। व्यभिचार, शोषण और अत्याचार, ये चोरी के प्रमुख कारण रहे हैं। इसके अलावा जो पेट की भूख है और जो बच्चों की भूख है, वो चोरी का मेन कारण रहा है। जो एक बड़ा चोर या एक बड़ा व्यक्ति या एक धनवान व्यक्ति या एक बलवती उसके लिए रास्ते बनाता है, जैसे उसकी शिक्षा को रोक देते हैं, उसे पढ़ने नहीं देते, वो पढ़ेगा नहीं तो आगे अच्छा रोजगार नहीं कर पाएगा, समझदार नहीं हो पाएगा। फिर उसको कहते हैं कि देखो ये तो चोरी ही करेगा, क्योंकि उसको बनाया ही चोर गया है तो वो चोरी ही करेगा। कोई बीमार है, उसको दवाई चाहिए, आपके पास हॉस्पिटल है, आपके पास डॉक्टर है, मगर आप वो सुविधा उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो चोरी करेगा। उस सुविधा के लिए, जान बचाने के लिए वो करेगा, आपने उसको चोर बनने के लिए मजबूर किया है। आप उसके पेट में अगर खाना नहीं पहुंचा है और आप बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे तो वो चोरी करेगा ही करेगा। चोरी का एक राइट, एक परंपरा भी बनी हुई है। चोरी की महिमा मंडित पुराने समय में की जाती है, जैसे कहते हैं इसने ये चुराया, तो उसकी गा गा कर उसकी, उसके गानों में उसकी चोरी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उसके ऊपर गाने बनाए जाते हैं और उसकी चोरी को माफ किया जाता है। चोरी चोरी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, खाने के सामान की हो या कैसी हो, मगर अगर चोर का दंड ना दें और चोरी की आप महिमा मंडित करें और चोर को आप बहुत बड़ा एक उपास्य बना दें, तो फिर चोरी रुकेगी नहीं, क्योंकि चोरी फिर ऑथेंटिक हो गई है, चोरी फिर लीगलाइज हो गई है, चोरी फिर एक तरह से बहुत सम्मान की बात हो गई है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा कोई हंसी मजाक में कोई बड़ा छोटे बच्चों को कहता है, अरे नालायक चीता चोर है, चोर है, तो छोटा बच्चा चोर को फिर छोटे ही शब्दों में लेके चलता है और उसे लगता है कि चोरी करना अच्छा है, क्योंकि बड़े उसे बड़े प्यार से गाल पे थपथपाते हुए खुश होते हैं। इस तरह से जब छोटा बच्चा कोई चीज कहीं खाने पीने की चोरी करता है तो उसको ये नहीं कहते माँ बाप कि ये गलत बात है, ये कहते हैं देखो नालायक है, नटखट है, देखो कैसा चोर है, और उसकी उपमा किसी और ऐसे नटखट से देकर, चोर से देकर उसका हौसला बढ़ाया जाता है। इस तरह से चोरी को महिमा मंडित किया जाता है, जो कि जो सम्मा कम्मंत तो है या सम्मा कम्मंत है या सम्मा कम्मो है या सम्यक काम है या जो राइट वर्क है उसके हिसाब से ये बैन है, वर्जित है, इसको नहीं करना चाहिए। तीसरा आता है व्यभिचार, कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदं समाध्यामि, यानी कि व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार का मतलब होता है कि आज जो सदाचार है, यानी कि जो अच्छा आचरण है, जो सत्य आचरण है, उसके विपरीत जो आचरण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो बिहेवियर करते हैं अगेंस्ट में, यानी कि सच के व्यवहार के, सच के बिहेवियर के, राइट जो बिहेवियर है उसके अगेंस्ट में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं व्यभिचार, या उसको बोलते हैं मिथ्या आचरण। मिथ्या माने झूठा और आचरण माने कंडक्ट होता है, यानी झूठा आचरण। तो मिच्छा आचरण या काम वासना, यानी कि इस तरह के आचरण नहीं करने हैं। तो ये काया से होते हैं, शरीर से होते हैं, इनको काम में लाया जाता है, यानी वर्क होता है ये,
तो ये नहीं करने चाहिए। दरअसल कुछ लोग तो इसको अपनी इच्छा से करते हैं और उनका राग होता है या उनका द्वेष होता है या तो उनकी दुश्मनी होती है या उनको वो चाहिए इसलिए वो करते हैं, उनके मन में आता है। और कुछ लोगों को जबरदस्ती ये करवाया जाता है, करवाने वाला ज्यादा खतरनाक है। जब आप किसी को व्यभिचार के लिए या किसी को मिसकंडक्ट के लिए या किसी को बैड कंडक्ट के लिए या किसी को गलत आचरण के लिए व्यभिचार के लिए जब आप उसको मजबूर करते हैं और जब आप उसको उसमें धकेलते हैं, जैसे भूखा जो आदमी है, अगर भुखमरी रहेगी देश के अंदर तो जो भूखा आदमी है वो व्यभिचार करेगा, वो कोई भी काम करेगा, चाहे फिर उसे आचरण की चिंता नहीं है क्योंकि भूख बहुत बड़ा रोग है, फिर आचरण सदाचार नहीं जानता वो, उसको कुछ भी करा लीजिए आप उससे। इसलिए आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर जो बहुत ज्यादा परेशान और मजबूर आदमी होता है वो अपराध करने के लिए गैंग में शामिल हो जाता है, कई पिक्चरों में अक्सर दिखाया जाता है। वही समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर है कि अगर सरकार या तंत्र या जो सिस्टम है अगर वो अपने लोगों को भूखा रखेगा, गरीब रखेगा, बीमार रखेगा, उनको आवश्यकता होगी तो वो फिर अपनी आवश्यकता पूरी करने में, क्योंकि लीगल तरीके से नहीं हो रही है, सही तरीके से नहीं हो रही है, कानूनी तरीके से नहीं हो रही है, देश उनको नहीं दे रहा है। देश में जो अपने आप को जो गणमान्य और बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं, जो उसको व्यवस्था को चलाते हैं, जब वो व्यवस्था चलाने में नाकाम और निकम्मे हो जाते हैं और सभी लोगों को नहीं दे पाते हैं एक सिस्टम, तो फिर व्यक्ति व्यभिचार करता है। और व्यभिचार हो या चोरी हो या हिंसा हो, ये अगर एक व्यक्ति करता है तो पूरे समाज में इसका असर जाता है। जो ऊपर के लोग हैं जो उसको मजबूर कर रहे हैं उनके घरों तक भी पहुंचता है, बल्कि उनके घरों में तो परमानेंट पहुंचता है, क्योंकि उनको करवाने का और करने का दोनों ही पाप मिलते हैं, इसलिए पुण्य उनको जरा भी नहीं मिलता। बेशक वो पर्दे के पीछे रह के करें मगर पाप उनको ढूंढ ही लेता है। ये भगवान बुद्ध की थ्योरी है जो बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो आप जब व्यभिचार के लिए किसी को करते हैं तो उसकी शिक्षा छीन लेते हैं, या उसकी शिक्षा छीन लेते हैं तो वो सही और गलत का अंतर नहीं जानता, उसको मजबूर करते हैं, उसको बलात्कार करते हैं, उसको जबरदस्ती करते हैं, उसको भूखा रखते हैं, उसको दवाई नहीं देते हैं, उसको बीमारी में अस्पताल नहीं देते हैं, उसके परिवार वाले तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनके पास सही खाना नहीं होता, उनके पास सही घर नहीं होता, उनको कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी मिलती है। जब उनके दिमाग घूमता है और जब उनको इस बात का पता चलता है कि देश में उनका बराबर का हिस्सा है, फिर वो पूरी तरह से व्यभिचार करने के लिए आ जाते हैं, चाहे फिर उसकी सजा कुछ भी हो, चाहे कैसा भी उसके लिए दंड हो। वैसे भी व्यभिचार को बहुत जगह परंपरा में महिमा मंडित भी किया गया है, इसलिए व्यभिचार लीगलाइज तरीके से भी हो रहा है, यानी कि व्यभिचार करने वाली की लोग जय जयकार करते हैं। जो व्यभिचार करता है, जो मिच्छा आचरण करता है, जो झूठा आचरण करता है और उसकी जय जयकार होती है तो फिर वो एस्टाब्लिश हो जाता है, वो जम जाता है। भारत में ये बहुत तेजी से बुद्ध के जाने के बाद या बुद्ध को खत्म करने के बाद में ये फैला है, और मिथ्या आचरण का यानी मिसकंडक्ट का, गलत व्यवहार का लोगों ने बड़ी महिमा मंडित की है। और उनको जब न्याय में उनको दंड नहीं मिलता और वो दंड से बच जाते हैं तो बाकी लोगों की भी हिम्मत बढ़ जाती है, इससे ये बढ़ जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि सम्मा कम्मंतंग में या सम्मा कम्मों में या सही काम में किसी भी हालत में मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और चौथा कहते हैं सुरा मेरे मज्जे पामाद ठाना वीरमणि, यानी कि किसी तरह का नशा या प्रमाद नहीं करना है, ये चौथा आता है। तो एक करना है और एक करवाने के लिए मजबूर करना है। करना तो आदमी अपनी इच्छा से करता है जब उसके अंदर राग होता है या द्वेष होता है या मोहमूर्ता होती है, जब वो खुद की इच्छा होती है या किसी का नुकसान होता है, मगर करवाने वाला जो वो ज्यादा खतरनाक है। अगर आप शराब उपलब्ध करा रहे हैं बेच रहे हैं, अगर आप नशा उपलब्ध करा रहे हैं बेच रहे हैं, अगर आप नशे के बढ़िया बढ़िया फोटो लगा रहे हैं, अगर आप नशे की बढ़िया बढ़िया पार्टी कर रहे हैं, अगर आप उस नशे की प्रमाद की बढ़िया बढ़िया बहुत रंगीन रंगीन पिक्चरें और फोटो और वीडियो लेके आ रहे हैं, आप जब बच्चे के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं बार बार प्रचार करके कि ये बहुत रॉयल चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, उसके फोटो इस तरह से आते हैं, जब आप ये कहते हैं कि इसको पीने से कोई नुकसान है ही नहीं और ना ही नुकसान का दिखाया जाता है कि आंकड़ा क्या है क्या नहीं है, जब उसको बड़े लोग महिमा मंडित करते हैं तो नीचे वाले तो बिना सोचे समझे, क्योंकि उनको तो अशिक्षित रखा हुआ है, उनके पास शिक्षा नहीं है, वो देखकर ही सीखते हैं, तो उनको भी लगता है कि ये बहुत बढ़िया आलीशान चीज है, इसे पीने के बाद थोड़ी देर के लिए हम भी आलीशान जैसी स्थिति में, राजा जैसी महाराज जैसी स्थिति में आ जाते हैं, तो इस तरह से वो इसका शोषण करते हैं। जब आप किसी को लालच देते हैं, लालच दे के उसको कहते हैं कि नशा पता करो क्योंकि इसका फायदा है, या आप किसी का शोषण करते हैं तो उसको पिलाते हैं, या कभी किसी की हत्या करने के लिए या हिंसा करने के लिए उसको नशा पता पिलाते हैं, ये सब चीजें सारी की सारी चीजें आती हैं। और इनमें जो सबसे खतरनाक है वो है दिखावा और व्यापार,
यानी दिखावा बहुत ज्यादा होता है नशे का, सिगरेट हाथ में लेके लड़कियां बड़े स्टाइल में पीती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, शराब पी के आजकल फेसबुक वगैरह पे खूब फोटो आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कितनी बड़ी अचीवमेंट हो गई है, जवाब नहीं इसका। तो ये जो प्रचार हो रहा है, जो नेगेटिव प्रचार है इसका, और जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि 2 रुपए का अल्कोहल 2000 रुपए का बिकता है, तो इसकी जो 1000 गुना ज्यादा जो इसमें मार्जिन होता है वो उसको कम नहीं होने देता। लोगों को लगता है कि ये जो चीज है बहुत बढ़िया है, उनको वैसे ही पेश की जाती है और इसका प्रचार लगातार चल रहा है। दरअसल ये एक देशद्रोह का कर्म है, इसको बेचना, इसको रखना, इसको बनाना, इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि अपने ही देश के लोगों को जहर पिलाने का जो कर्म है, जहर बेचने का, जहर बनाने का, जहर लाने का, जहर को बिजनेस करने का, जहर का व्यापार करने का, जहर का प्रचार करने का, ये सबसे बड़ा देशद्रोह का कर्म है। जो भी इसमें शामिल होता है वो पाप का भागीदार होता है, अनंत उसकी पीढ़ियां तक में भी असर आता है और उसकी पीढ़ियां भी इसी तरह की पापी पीढ़ियां पैदा होती हैं जिनमें कभी सुख नहीं आता। पैसा आ सकता है, सुख नहीं आ सकता, आता पावर आ सकती है मगर सुख नहीं आता, क्योंकि सुख मन से आता है और मन जब शुद्ध होगा तब आता है। तो ये जो चौथा कर्म है सम्मा कम्मंतं का चौथा काम, यानी कि सुरामेर मज्जा, किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। दरअसल ये चारों चीजें भगवान बुद्ध क्यों करवा रहे हैं इसको समझिए। मैंने पहले ही बताया था कि जब ये चारों चीज आप नहीं करेंगे तो आपके मन में जो ये पाप वाला जो सेक्टर है, जो पाप वाला जो मेमोरी है, पाप वाला सेक्शन नहीं आएगा, यानी पाप का जो फोल्डर है वो कमजोर पड़ेगा, डिलीट पड़ेगा। फिर आपके मन के अंदर, क्योंकि आपने साधना में बैठना है, आपने मन को शुद्ध करना है, आपने मन को प्योरीफाई करना है, तो मन शुद्ध ऑलरेडी होता है, पहले से ही शुद्ध होता है हर एक बच्चे का, हर एक मनुष्य का। ये जो पाप कर्म है ये उसको ढक लेते हैं बादलों की तरह। तो आपने बादल कम करने हैं, बादल कम करेंगे तो सूरज की रोशनी आपको अंदर आएगी और आपको सुख देगी, मगर अगर बादल वहां ढके रहेंगे तो वो सूरज की रोशनी आएगी नहीं, तो जो पुण्य है वो तो दिखाई देगा नहीं, वो तो अंदर छिपा रहेगा। तो बादल कम करने का प्रोसेस है, क्योंकि जब आप एकाग्रचित होंगे, कंसंट्रेट होंगे, समाधि में जाएंगे, और जब आपका मन एकचित्त होगा, जब मन आप एकाग्र करेंगे, एक बिंदु पर कंसंट्रेट करेंगे, उस समय ये पाप कर्म आपको परेशान करेंगे, इनकी फाइल खुलती है। आप जैसे एकांत में बैठते हैं या कहीं अगर आप सोते हैं तो सोते ही आपको याद आता है आज हमने ये खराब काम किया, ये खराब काम किया, ये खराब काम किया, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। ऐसे अगर आपने खराब काम नहीं किया तो आपको फौरन नींद आ जाएगी। यही समाधि का है कि जब समाधि में बैठेंगे तो आपके पाप कर्म कम से कम होंगे, तो वो आपके मन को एकाग्रचित करने में कम बाधा डालेंगे, तो जल्दी एकाग्रचित होगा। तो जब एकाग्रचित मन होगा तब पहिया यानी प्रज्ञा जगेगी, और जब प्रज्ञा जगेगी तब आपको पुण्य लाभ होना शुरू होगा, तब आप मोक्ष की तरफ, निर्वाण की तरफ, और सुख आपको प्राप्त होगा, तब आपको सुख मिलेगा। सारा काम सुख के लिए हो रहा है, दुखों से मुक्ति के लिए हो रहा है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है सम्मा आजीवियो, आजीवो का मतलब है आजीविका, यानी कि जो लाइवलीहुड है वो राइट होनी चाहिए, वो मैं आपको तीसरे पार्ट में बताऊंगा। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है।
अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम की सेवा में सहायक बने, धम आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम आपको लाभ देगा, आप धम को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.